नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो खत्म होगी रेस, कौन बनेगा सीएम फेस। हालांकि छत्तीसगढ़ में यह तय हो गया है कि आखिर कौन वहां मुख्यमंत्री का चेहरा होने जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब जाने जाएंगे। उनका नाम सर्वसम्मति से विधायक दल नेता बने हैं विष्णु साय, और उन्हें चुन लिया गया है उस चेहरे के तौर पर जिसका इंतजार किया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, मोदी की गारंटी को पूरा करूंगा। विष्णु साय का यह बयान भी सामने आ गया कि मोदी की गारंटी को वो पूरा करेंगे आगे। तो विष्णु साय अगला चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में। ये जो रेस में कई नाम सामने आ रहे थे उसमें सबसे आगे, और अब तो देखिए वो रेस का फाइनल चेहरा भी बन चुके हैं। सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए। और देखिए, इस चेहरे को लेकर लगातार हमारी टीम भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, चाहे भोपाल हो, जयपुर हो या फिर रायपुर। देखिए तस्वीर आपके सामने आ गई, रायपुर से मेरी सहयोगी स्नेहलता इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। भोपाल से मनोज्ञा लोईवाल हमें वहां से जानकारी देंगे, क्योंकि चेहरे को लेकर अभी भी तय होना बाकी है। और जयपुर से अखिलेश आनंद को भी आप देख रहे हैं। एक एक करके जल्दी से सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं, और अखिलेश शुरुआत आपसे, क्योंकि अभी वहां चेहरा फाइनल होना बाकी है। अखिलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी जी शिरीन, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। मैं इस वक्त जयपुर में जहां पर खड़ा हूं, अल्बर्ट हॉल मेरे पीछे है, ये म्यूजियम है, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर आने जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों के मन में भी यही है, इनके मन में भी यही कौतूहल है कि क्या होने वाला है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके मूल में जो सवाल है वो यहीं पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेज फंसा है वो राजस्थान को लेकर है। मेरे साथ कई खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है मंच पर, जिन्हें आप देख सकते हैं। प्रकाश भंडारी साहब हैं, अश्विनी पारीख जी हैं, महेंद्र शर्मा जी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे भी हमारी बात होगी। अमित गोयल साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, और स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा, बीजेपी के नेता हैं, यहां इतना पेज क्यों फंसा हुआ है, ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचे अब तक? देखिए, कहीं कोई पेज फंसा हुआ नहीं है, सारी प्रक्रियाएं चलती रही हैं, और आज जैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है, विधायक दल की बैठक हुई है, बहुत जल्दी राजस्थान के ऊपर से भी सारी चीजें साफ हो जाएंगी, और बहुत लंबा इंतजार आप लोगों ने। कुछ अप्रत्याशित तो नहीं होने वाला है जिसके लिए इतना इंतजार किया जा रहा है, फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है? अप्रत्याशित कुछ भी नहीं, भाजपा की बहुत अनुशासित पार्टी है, हम सब लोग एक परिवार, और सब मिलके निश्चित रूप से राजस्थान में सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक कल्याण के लिए काम। इस रेस में कौन आगे चल रहा है फिलहाल, आपको क्या लगता है, यहाँ की राजनीति अब बखूबी समझते हैं? देखिए, राजस्थान में बहुत सारे नाम बीजेपी में मुख्यमंत्री की रेस में हैं, जिसमें निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो हैं ही, लेकिन ओम माथुर, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह, इस तरह से करीब 8-9 नाम अभी दौड़ में चल रहे हैं, दौड़ में चल रहे। अच्छा, वसुंधरा राजे जी क्या पिछड़ गई है क्या? हालांकि आज खबर आई थी कि उनके घर भी कई विधायक आ रहे हैं जा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्तित्व है वसुंधरा जी का, वो बहुत बड़ा है, दो बार मुख्यमंत्री रही हुई है, केंद्र में मंत्री रही हुई है, और इतना बड़ा संसदीय अनुभव, इतने राज्य के प्रशासन का अनुभव। अब वो सवाल है कि उनसे जो जितना परहेज रख रही है भाजपा, वो किस कारण रख रही है, क्या कारण जाया कि इस बात को पता नहीं पा रहे कि वसुंधरा जी से जो परहेज है वो किस कारण हो रहा है, क्या कारण है। अभी आए आप देखिए कि जो चुनाव में 69 सीट तो कांग्रेस की आई, एक सहायक दल जो उनके 70 सीटें आई है, और 11 जो लोकसभा सीटें हैं जो है, जो क्षेत्र हैं, उसके अंदर कांग्रेस को चाहे 50,000, 60,000, 1,00,000 की बढ़त मिली हो, लेकिन बढ़त मिली है तो ऐसा लगता है कि 11-12 सीटों के अंदर कांग्रेस बहुत जबरदस्त टक्कर देने वाली है। इन सब का ख्याल रख करके, मतलब 2024 का जो गणित है उसको भी सेट किया जाएगा, जो भी चेहरा होगा इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उससे वहां कोई दिक्कत ना हो जाए। निश्चित तौर पर बीजेपी का जो मिशन 25 है, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, उन पर बीजेपी कायम रहना चाहेगी। दो बार हो चुका है कि 25 में 25 रिपीट किया है। आप छत्तीसगढ़ से समझ सकते हैं कि विष्णुकांत साय एक अनुभवी तजुर्बेकार नेता है, उनकी जरूरत अगर वहां पर हुई तो ये पैटर्न बदला है अब भाजपा ने। ऐसे में वसुंधरा राजे का दावा कमजोर नहीं, बल्कि अब छत्तीसगढ़ के बाद और मजबूत हो चुका है। अच्छा स्वर्णिम जी, आप लोग इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसमें आप लोग तो हार पे मंथन करने की जरूरत है।
देखिए राजस्थान में जो 31 सीट ऐसी हैं जहां पे हम 0.3% के मार्जिन से आ रहे हैं, वरना बाजी अलग होती है। 9 सीट तो ऐसी हैं जो 1000 से भी कम मार्जिन से आ रहे हैं, 20 सीट ऐसी हैं जहां पे 1.5 से 2000 का मार्जिन रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे एक ही चिंता है, हमें चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोमिसेस किए थे कि अब हरियाणा से सस्ता पेट्रोल यहाँ होगा, 19,000 किसान अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, तो आप कैसे मतलब कह रहे हैं जो प्रोमिसेस किए थे, अभी तो कुछ दिन सरकार को काम कर लेने दीजिए। इंतजार तो उन्हीं का है ना, जिन जिन चीजों को वादों को लेकर के सरकार बनाई है या जीत के आए तो वो तो पूरे करने पड़ेंगे। हम देख रहे हैं 19,000 किसानों का कर्ज माफ होगा, जो केंद्रीय कृत बैंकों ने जिनको कुड़की के नोटिस थमाए, लेकिन यहाँ राजस्थान में स्थिति दूसरी है, बाकी जगह पे नाम है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है गुटों की, पहले से 8 गुट थे, अब 5-7 रह गए। लेकिन बड़ा रोमांचक होगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत आ रही है, किसको छोड़े किसको रखे। ठीक है अखिलेश, ये सुन रहे हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता को, बीजेपी के नेता भी मेरे साथ यहाँ पर शिरीन है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि पेच देखिए यहीं फंसा हुआ है। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ की जनता भी मेरे साथ जुड़ गई है, ये जयपुर का वो इलाका जहाँ पर ना सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग आते जाते रहते हैं। मैं आती हूँ आपके पास, आप बाकी मेहमानों से भी बात कीजिएगा और जनता से भी जरा बात कीजिएगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अब स्नेहलता का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रायपुर में छत्तीसगढ़ में तो देखिए ये चेहरा साफ हो गया है, विष्णु साय जो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप जिन्हें जानेंगे। और स्नेहा, जिस तरीके से देखिए विष्णु साय ने तो आते ही ये कह भी दिया, अभी तो सर्वसम्मति से उनके चेहरे पर मुहर लगी है, उन्होंने आते ही कह दिया कि मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए मोदी की गारंटी में ये बहुत बड़ा सिग्नल है, सिंबल है कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके आदिवासियों का भला चाहते हैं, और यहाँ से झारखंड तक छाने के लिए और उस जगह को साधने के लिए ये फैसला कहीं ना कहीं उसकी गूंज जाएगी। अमित जी हैं जो कि बीजेपी की ओर से हैं, अब ये बताइए इतने बड़े फैसले के बाद जो 2 लोकसभा सीटें जो इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है उसे साधने की रणनीति रहेगी, किस किस प्लान पे आदिवासियों का भला होगा, क्या क्या मुद्दा आदिवासियों का उठाया जाएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक नारे के साथ काम करती है, सबका साथ सबका विकास, और सबको विकास के लिए सबको विश्वास में लेना भी जरूरी है। इसलिए पूरा आदिवासी वर्ग, पूरा ओबीसी वर्ग, पूरा शेड्यूल कास्ट वर्ग और पूरा जनरल वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जिताकर छत्तीसगढ़ दिया है उन्होंने। लेकिन सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस के हाथ से छिन गई है, जो पिछली बार सरगुजा की पूरी टीएस बाबा के नाम पर गई थी, वो 14 सीटें आती तो 35+14 मिलकर सरकार के नजदीक सरकार बना ही लेते, कहां कमी रह गई बंसाली जी। देखिए स्नेहलता जी, ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, कहीं पर भी न आपके चैनल्स ने, न सर्वे एजेंसीज ने या किसी और ने, किसी भी वर्ग ने ये नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। निश्चित तौर पर ये चिंता का, चिंतन का और मनन का विषय है कि हम सरगुजा और बस्तर में इतना क्यों पिछड़ गए, इतना काम करने के बाद भी जनता ने साथ क्यों नहीं दिया, ये चिंता का विषय है और कांग्रेस निश्चित तौर पर इस पर चिंतन मनन करेगी। मनन करे कि जहां से खुद उप डिप्टी सीएम आते हैं वो एक भी सीट नहीं बचा पाते और पिछली बार 14 की 14 सीटें ले आते हैं। अब यहां का राजनीतिक विश्लेषण कीजिए, अब आने वाली 2 सीटें जो कि बचती हैं, जो लोकसभा की बीजेपी के खाते में नहीं है, उसे साधने के लिए कितना बढ़िया समीकरण है, कैसे फिट बैठता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए उनका उनको 2 टारगेट ही उनका वही है कि 11 की 11 सीट जितनी मैक्सिमम सीट हम मोदी जी को दे सके, ये उनका कहना है। तो ये पूरे के पूरे जो जादूगरी चल रही है, जगलरी चल रही है, ये ट्राइब्स बेल्ट को साधने के लिए। आप देखिए केवल छत्तीसगढ़ नहीं, आप वो बोले स्ट्रेटेजिकली देखिए, वो झारखंड को भी साध रहे हैं और छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा ट्राइब बेल्ट को भी साध रहे हैं। तो ये उनकी कोशिश रहेगी कि अगले छत्तीसगढ़ की खासियत ये है कि 7 जिलों से, 7 स्टेट से, प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, लैंड लॉक्ड है, और यही वजह है कि 7 अगर प्रदेशों में आदिवासी है वो साध लिए जाते हैं अगर छत्तीसगढ़ से एक आदिवासी मुख्यमंत्री। देखिए निश्चित रूप से ये उनकी स्ट्रेटेजी है, आप देखिए ये आज से नहीं चल रहा है, मुझे लगता है ये जब केंद्र में राष्ट्रपति जो है आदिवासी और महिला को लेकर के आए वहाँ से उन्होंने चालू किया है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से आदिवासी मुख्यमंत्री बना के सीधा मैसेज देने का काम किया है भाजपा ने कि 24 में ये फैसला कितना फर्क डालेगा छत्तीसगढ़ का। देखिए बस्तर से तो अभी लोकसभा सीट बीजेपी के पास नहीं है, उस पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि बस्तर और सरगुजा मिला करके अगर संभाग जोड़ दें तो 28 सीटें हैं बीजेपी के पास। इसलिए ट्राइब्स चेहरा देना बीजेपी को एक लगा कि ये देना चाहिए। दूसरा, ये दूसरे बीजेपी के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी ने चुना है, और निश्चित तौर पर इसके पीछे आरएसएस की एक बड़ी पसंद रही, भाजपा संगठन की एक बड़ी पसंद रही, क्योंकि आप देखिए रेणुका सिंह भी दावेदार थी, इसके अलावा गोमती साय भी दावेदार थी, लेकिन विष्णु देव साय को चुना जाना ये दर्शाता है कि वो बहुत अनुभवी हैं।
वाले बॉर्डर से आते हैं वहाँ की 14 सीटों पे भी जो आदिवासी क्षेत्र होंगे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अर्जुन मुंडा आए थे वहाँ से और ये एक पार्टी मैसेज दिया उन्होंने कि हम आदिवासियों के हितकर हैं, इसलिए आदिवासी चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बेल्ट है इसलिए हम आदिवासी का सम्मान करने के लिए ये चेहरा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझिए शिरीन की बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भी छत्तीसगढ़ को साधा गया, कैलकुलेशन और उसके बाद ही ये नाम तय हुआ है और वो नाम है विष्णु साय का जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, मैं मनोज्ञा का रुख करती हूं और भोपाल, क्योंकि मनोज्ञा सबसे बड़ी जीत वहां से दर्ज की गई लेकिन चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया है। सवाल यही कि आखिर इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? देखिए स्वागत है सभी का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए यहां पर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक ही नारा रहा है कि एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी। एमपी ने दिखा भी दिया कि किसकी जीत है। ये अप्रत्याशित जीत में सबसे बड़ा चेहरा और सहरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही जाएगा, लेकिन क्या आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा जिस राज्य में हो उसी राज्य को इस बार क्या प्रधानमंत्री इस बार मुख्यमंत्री देंगे ऐसा जो सबसे बड़ी आबादी वाली आदिवासी आबादी वाली राज्य में इस बार क्या पहली बार मिलेगा एक आदिवासी मुख्यमंत्री? हमारे साथ पूरा पैनल है जो आपको बताएगा। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वराज शर्मा जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता राजेश बादल जी, सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजेश राजपूत जिन्हें आप एबीपी न्यूज पे सबसे आगे रखने के लिए हर बार देखते रहते हैं, और संजीव मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी ये बताइए सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल, पंकज जी जीत तो हो गई मुख्यमंत्री का नाम कब मिलेगा? कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है, भाजपा के सारे विधायक कल भोपाल पहुंच जाएंगे। हमारे तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय खट्टर जी, के लक्ष्मण जी और आशा लकड़ा जी जो तीनों पर्यवेक्षक वो पहुंचेंगे, विधायकों से बातचीत होगी और कल संभवतः शाम को जब लगता है इतनी बात कर रहे हैं विधायकों के पास कोई है भी, मतलब कि नाम ऊपर से आएगा चिट्ठी पढ़ दीजिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करती है, कल मध्यप्रदेश के विधायक निर्वाचित भाजपा पक्ष के बैठेंगे और वो मिलकर तय करेंगे कौन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करेंगे। दे रहे हैं आदिवासी दे रहे हैं इस बार की नहीं? आप भी तो इतने साल रहे सत्ता में, कहे नहीं दे पाए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर जनता की सेवा करेगा और भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। चेहरा बदल रहा है? देखिए चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव चिन्ह चेहरा है। आप मानते हैं इस बात को कि चेहरा कमल है, चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो नहीं रहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये मोदी मोदी कहते रहे एमपी के मन में मोदी, मैं समझता हूँ कि मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, बनेगा तो यहीं से। और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी मतलब एक अनार सौ बीमार, छह छह लोगों ने शेरवानी से ला के रखी है मुख्यमंत्री बनने के लिए और एक मुख्यमंत्री ढोक लगाने नहीं गए शिवराज सिंह जी, वो यहाँ मध्य प्रदेश में घूम घूम के अपना दबाव बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? तंज करने का मौका मिल रहा है क्योंकि जितना समय लगेगा उतना ही सवाल भी उठेंगे। मनोज्ञ आपके पास मैं आऊंगी, आपके पास आती हूं, लेकिन देखिए एबीपी न्यूज की खबर पर फिर से मोहर लगी है और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे क्यों कहा जाता है चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। देखिए अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही 9 नवंबर को ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि आखिर कौन चेहरा होगा। कुनकुरी में ही थे और वहीं से इस बात का ऐलान कर दिया था कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। एक बार जरा आप सुन लीजिए। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। तो गृह मंत्री का ये बयान और आज सुबह से एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि आखिर कौन वो चेहरा हो सकता है। और देखिए शाम से पहले ये तय भी कर दिया गया, सर्वसम्मति से विष्णु साय को चुन भी लिया गया। स्नेहलता का एक बार फिर से रुख करते हैं, रायपुर से हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं। अच्छा स्नेहलता के पास मैं आती हूं लेकिन उससे पहले अंकित ग्राउंड पर लगातार हैं, आपको लोगों के रिएक्शन, नेताओं के रिएक्शन भी सुना रहे हैं। और अंकित देखिए आप ही लोगों ने जिस तरह से जो आपके सूत्र ने बताया वो हमने अपने दर्शकों को बताया और वही फाइनल हो गया, विष्णु साय का नाम सर्वसम्मति से चुन लिया गया। बिल्कुल शिरीन मैं ये यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब कल देर रात में कुछ नेताओं से बात कर रहा था, जो सूत्र है उनसे बात कर रहा था, तो एक चीज क्लियर हो रही थी कि विष्णुदेव साय इस रेस में सबसे आगे हैं। और मेरा सवाल यही था कि आखिर क्यों, क्योंकि नाम तो कई हैं, रेणुका सिंह का भी है, वो भी एक आदिवासी जो है महिला है, वो एक आदिवासी क्षेत्र से आती है, तो आखिर विष्णुदेव साय क्यों? तो जो मुझे कारण बताए गए थे उससे एक अंदाजा लग गया था कि स्थिति काफी हद तक क्लियर है जो भी जो लोग जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं उनके दिमाग में। और इसी वजह से आज सुबह 10 बजे
लिए इससे पहले हमने ये खबर अपने दर्शकों को बता दी थी कि विष्णुदेव सहाय इस रेस में क्यों इस वक्त सबसे आगे हैं, और ये हमने कब बताया था, ये बताया था विधायक दल की बैठक शुरू होने से 2-3 घंटे पहले। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पास जो जानकारी आ रही थी वो काफी हद तक स्पष्ट थी, लेकिन फिर भी विधायक दल की बैठक नहीं हुई थी। विधायक दल की एक अपनी प्रक्रिया है, लिहाजा हमने अपने दर्शकों को यह जरूर बताया था कि ये सबसे आगे हैं और इनकी ये विशेषताएं हैं। और आखिरकार दोपहर 3:15 बजते हमारी खबर पर मोहर लगी है, और जो हमने अपने दर्शकों को बताया था कि विष्णुदेव सहाय की जो खासियत है वो ये है कि वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिहाज से। दूसरा फैक्टर ये था कि वो जो संगठन में भी काम कर चुके हैं, इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पार्टी में उनकी जो है जो संगठन के तौर पर एक अच्छी पकड़ है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 के, वहां पर एक महती भूमिका निभा सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखा गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सारे समीकरणों को साधा गया है क्योंकि सेमीफाइनल था ये, और 2024 अब देखिए बिल्कुल पलक झपकते ही सामने भी आ जाएगा, तो ये सब उसी की तैयारियां और तमाम समीकरण उसी को साधे जा रहे हैं ध्यान में रखते हुए। स्नेहलता के पास फिर से चलते हैं, और स्नेहलता देखिए इससे सरपंच से लेकर सीएम तक का सफर, मतलब बीजेपी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि ये वो पार्टी है जो वो लगातार कहती आ रही है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रदेश का मुखिया भी बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री भी। बिल्कुल शिरीन, देखिए कुनकरी विधानसभा सरगुजा संभाग में आता है और वहां से आवाज तो हर तरफ यही उठ रही थी कि सीएम वही जो 24 जिताए, ये बात तो सब जान रहे थे, कह रहे थे, लेकिन जिताने वाला शख्स बहुत अप्रत्याशित, जिसे जनरेशनल शिफ्ट कहा जा रहा था, वो नहीं है क्योंकि इनको जिम्मेदारी पहले भी मिल चुकी है, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। अमित जी बैठे हुए हैं, आप लास्ट टाइम कब मिले थे विष्णु जी से? देखिए, मैं विष्णुदेव सहाय जी के साथ जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मैं उनके साथ उनकी टीम में युवा मोर्चा का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल मैंने उनके साथ पूरा किया। और रिसेंटली अभी जब चुनाव जीत कर आए तब मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे भेंट करके बधाई दी कि दे दिए। यहाँ बैठे बैठे आप कह रहे थे कि मन कर रहा है तुरंत चला जाऊं, लेकिन हमने कहा बैठिए। अभी अभी जैसे मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, और गर्व की बात यह है कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला, ये हर्ष का विषय, गर्व का विषय, और ये संभव सी भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। उनके लिए हमेशा से बहुत आगे रहा, लेकिन आदिवासी और जनजाति के लिए जो भावना रही है उनकी, क्या आपने नोटिस किया है कि उसके लिए अलग से प्लान, अलग से एक्शन के साथ वो आते रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हमेशा वो मोदी जी के कैबिनेट में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, पहले भी छत्तीसगढ़ महतारी को उन्होंने सेवा दी है, मध्य प्रदेश जब था का जिक्र किया अमित जी ने, तो लोग कह रहे थे कि मोदी महिला ट्राइबल MMT मिला के जिता देगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से कमी रह गई क्या कांग्रेस की ओर से कि एक ट्राइबल सीएम के नाम पे? अब देखिए आने वाले 24 तक ये धमक रहेगी। 15 साल तो ठाकुर सीएम रहे, अब पहली बार इन्होंने ट्राइबल किया कांग्रेस, तो आपको नहीं? नहीं, हमने ओबीसी वर्ग से सीएम दिया था, और निश्चित तौर पर हम सारी वर्गों का, सारी जातियों का सम्मान करते हैं। एज द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने खुद पर्सनली, मैं कहूँ तो इस इलेक्शन में, 2023 के इस इलेक्शन में मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा और समझा है। अब देखना यह है कि मोदी की जो बड़ी बड़ी गारंटियों को लेकर भाजपा ने यहाँ पर सत्ता हासिल की है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ विष्णुदेव सहाय जी को मुख्यमंत्री बनने की, साथ ही एक सशक्त विपक्ष के तौर पर ये मांग भी करता हूँ। 11 लोकसभा सीटें हैं और इनके कहने का मतलब ये है कि 24 में वो दो जो बाकी रह गई थी वो भी जरा जिता के दिखाएं, और तब समझ में आ जाएगा कि आने वाले झारखंड की 14 सीटों तक साधने तक का ये फॉर्मूला कितना काम। देखिए, बिल्कुल कोशिश उनकी यही है कि पूरी 11 की 11 लेंगे, झारखंड में भी लेना है, ये उनका एक स्ट्रेटेजिकल बहुत अच्छा प्लान था। और एक जाहिर सी बात है, जहाँ पे 32% पॉपुलेशन ट्राइब्स की हो, लगभग किसी भी तो है 40 के करीब, उसमें से और इसमें से क्या वजह रही कि ये वाला? देखिए, ये मैं कहूँगा कि इस पर थोड़ा सा जो जिस तरीके से उन्होंने बस्तर जीत किया है, जिस तरीके से सरगुजा जीत किया है, जिस तरीके से अब अगला टारगेट झारखंड है, और देखिए हमारे जो जितने भी नेता है जो बीजेपी के हैं, जो बस सरगुजा बेल्ट से आते हैं, उनका झारखंड में भी अच्छा प्रभाव है। अब देखिए आपके पास मैं आती हूँ कि लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं, और अंकित इस वक्त शायद कोई जानकारी देना चाह रहे हैं। अंकित? बिल्कुल शिरीन, हमारे सहयोगी अहमद बिलाल की तरफ से जानकारी सामने आई है, और वो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कि विष्णुदेव सहाय इस वक्त पहुंच गए हैं राजभवन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। तो इस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी खबर कि विष्णुदेव सहाय, जिनको जो है मुख्यमंत्री का नामित किया गया था, वो पहुंच गए हैं राजभवन और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। जी ठीक है अंकित, नई जानकारी दे रहे हैं कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, जाहिर है अब जिस तरीके से सर्वसम्मति से विष्णुदेव सहाय का नाम चुना गया है और उसके बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर
जाना जाएगा, शपथ लेंगे वो जल्द ही। विष्णु देव साय जो इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं, लेकिन विष्णु देव साय जिनका प्रस्ताव, जिनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के तरफ से रखा गया, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ रमन सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री। सर, विष्णु देव साय का नाम पहला रिएक्शन? विष्णु देव साय जी दल के नेता चुने गए हैं सर्वसम्मति से और राजपाल के पास जा रहे हैं उनके नाम का प्रस्ताव लेके। सर, कितने का, कितना समर्थन मिला? क्या सभी का समर्थन सर्वसम्मति से? पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बाद? हाँ, विष्णु देव साहब केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, योग्य व्यक्ति। सर, कई तरीके की कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। विष्णु देव बन गए, हम बन गए, कोई भी एक कार्यकर्ता बन गया। हाँ, तो किसी तरीके की कोई रस्साकशी नहीं? नहीं, कोई रस्साकशी नहीं। तो सुना आपने, सर्वसम्मति से ये तय हुआ है, नाम चुना गया है विष्णु देव साय का और अब राजभवन मिलने जा रहे हैं राज्यपाल से। लगातार जो अपडेट आ रहे हैं हम आपको पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, अब चेहरे को लेकर रस्साकशी जो है वो बस खत्म होने को अंतिम दौर पर है। अखिलेश और मनोज्ञ, आप दोनों के पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले जरा एक बार रायपुर एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, स्नेहलता के पास। स्नेहलता, बिल्कुल शिरीन, देखिए हमने ये बात यहीं से शुरू करी थी कि आदिवासी पहला मुख्यमंत्री। आज सुबह एयरपोर्ट पर मैंने खुद अर्जुन मुंडा से पूछा था, राष्ट्रपति तो मिल गए, आदिवासी सीएम कब मिलेगा? और मुस्कुराए, जिस तरीके से मुस्कुरा के चले गए, उस मुस्कुराहट के पीछे आपको क्या लगता है, जब पर्यवेक्षक आते उनको नाम पहले से पता होता है या यहीं पर ऐलान होता है, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते? देखिए, मुझे लगता है कि नाम पहले से पता था और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, स्थानीय नेतृत्व का पूरी तरीके से दरकिनार था, सीधे तौर पे केंद्रीय नेतृत्व तो दिल्ली से पूरा इलेक्शन मैनेज हो रहा था, अमित शाह सीधे तौर पे इसको मैनेज कर रहे थे और ओम माथुर, नितिन नवीन, मनसुख मंडाविया, ये सारे लोग जो है चुनाव को देख रहे थे। उसी समय यह तय हो गया था कि सबसे पहली पसंद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसी की पसंद मायने रखेगी तो अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व की, तो देखिए सीधे तौर पर विष्णु देव साय का आना, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उसके विधायक भी रह चुके हैं दो बार, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सीधे तौर पे ये मैसेज गया है कि केंद्रीय नेतृत्व और जो पर्यवेक्षक आते हैं उनके पास ये नाम पहले से रहता है। डॉक्टर साहब, इनको इनको अगर सीएम बनाया गया तो मान के चले कि रमन सिंह का दायां हाथ है और कुल मिलाकर के 24 के लिए रमन सिंह का पूरा पूरा साथ है। देखिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रमन सिंह का है विष्णु देव साय के प्रति। मैं दो फैक्ट देना चाहूँगा। देखिए, भाजपा ने ये ऐलान किया था कि हम इस बार चौंकाने वाला नाम देंगे सीएम का, विष्णु देव साय उस पर फिट बैठते हैं। 5 साल तक विष्णु देव साय राजनीतिक गुमनामी में जीते रहे, ना वो विधायक थे ना सांसद थे, फिर भी और RSS के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर वो काम करते रहे, तो उन्होंने अपनी सक्रियता संगठन के बरूदे बना के रखी थी। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का चुनाव सिंहदेव, हसदेव और महादेव, इन तीन देव पर लड़ा गया था और हसदेव जो इलाका है वो वहाँ से विष्णु देव साय आते हैं। हसदेव एक बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ पर कि एनवायरमेंटल इश्यू था, खदानें बांटी गई थी जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार लड़ती रही केंद्र सरकार से, और विष्णु देव साय उसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो एनवायरमेंटल इशू था वो भी कहीं ना कहीं इनको आगे, विष्णु देव साय को आगे किया। जहाँ तक ट्राइब्स की बात है, बीजेपी ने यह सोच रखा था कि इस बार हम ट्राइब्स देंगे। आपने जो सही सवाल उठाया कि पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं हुआ, प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण साव, कौरी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछड़ा वर्ग में 3-4 चेहरे ऐसे आ गए थे, जैसे ओपी चौधरी आ गए थे, फिर साव आ गए थे, तो इसलिए बीजेपी को लगा कि, और फिर सबसे पहले बीजेपी को निर्विवाद व्यक्ति चाहिए था, शांत सरल सौम्य। ऐसे ऐसे देखिए, ओबीसी वाले सेक्शन में जाते तो 4-5 कैंडिडेट में अपने आप टसल होती और उसके बाद कौन बने कौन ना बने, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसकी वजह से किसी को कोई आपत्ति नहीं रही, इसीलिए ये नाम फिर से मतलब इस तरीके से चमक रहा है शिरीन। जाहिर है, और देखिए ये यही कहा जा रहा है कि हर समीकरण को साधा गया है और उसके बाद ये आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय के तौर पर यहां रखा गया है और अब राज्यपाल से मिलने के लिए भी पहुंचे हुए हैं और अब सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। लेकिन भोपाल से मनोज्ञ हमें बताएंगी वहां क्या चल रहा है, अखिलेश हमें जयपुर से बताएंगे कि राजस्थान को लेकर क्या हलचल अभी है। तो चुनाव में जीत के बाद कौन होगा चेहरा, जिससे लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, लेकिन कम से कम एक राज्य में चेहरा फाइनल हो गया है और वो है छत्तीसगढ़, जहां विष्णु देव साय का नाम तय हो गया है जो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर साफ नहीं हुई है, ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं और मनोज्ञा का रुख पहले करते हैं, फिर अखिलेश आपके पास भी आती हूं। मनोज्ञा, एक स्टेट तो क्लियर हो गया, लेकिन ये राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश का सस्पेंस कब खत्म होगा आखिर?
देखिए कौन होगा चेहरा इस पर अभी भी बना हुआ है कोहरा। मौसम तो थोड़ा थोड़ा ठंड हो रही है, मौसम डिप कर रहा है, तापमान राजनीति का तापमान नहीं कम हो रहा है। संजय जी क्या खासियत है कि अब कौन बनेगा चेहरा, कुछ बताइएगा। देखिए चेहरा कौन बनेगा ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति अगर जानता होगा तो वो नड्डा जी होंगे। बाकी लोगों के लिए तो ऐसे कयासबाजी ही है, लेकिन कौन हो सकता है संभावत और क्यों? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर रहे हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे आगे हो सकता है, और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ओबीसी का इतना बड़ा चेहरा अगर आप उसे रिप्लेस करेंगे फिर ओबीसी का कोई चेहरा लाएंगे तो वो थोड़ा अटपटा सा हो जाए। ब्रजेश आप इस बात से सहमत हैं? हमेशा भोपाल हो मध्य प्रदेश हो आप इन्हें देखते हैं स्क्रीन पर, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज पर, क्या कहेंगे इस बार आगे रखने? मेरा ख्याल है कि एक अदृश्य नाम है जो जितने सारे फ्रंट रनर से जिनके नाम आप और हम सबको मालूम है, इनके अलावा एक अदृश्य नाम भी है जिसके लिए हमको तैयार रहना होगा। अदरवाइज तो वो सारे नाम है जिसकी चर्चा हम आप सब आप भी यहाँ तीन चार दिनों से और लोगों से सुन रही है कि नरेंद्र केंद्र में काम करना क्या बेनिफिट होता है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है, जो बीजेपी जिस मोड में आ गई है उसके लिए कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। वो दो लोग जिसको चाहेंगे वो यहाँ बन जाएंगे, उसके लिए बाकी सारी कवायद यहाँ या इबारत यहाँ लिख दी जाएगी। राजेश जी ये माने कि बादलों में पायलट और को पायलट, इसके अलावा कुछ नहीं बीजेपी? आप कह सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर अब तक के 10 साल के विधानसभा चुनाव में जहाँ भी मोदी जी ने नाम निकाल के चौंकाया है, चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है उनकी जेब से निकला है, तो एक तो बात यह। लेकिन हम लोग ये कयास लगा सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा या अगर कोई लीडरशिप दो मुख्यमंत्री वाला फार्मूला बनेगा तो उसमें दलित महिला और ओबीसी की उपेक्षा नहीं होगी। आपको लगता है कि क्या कोई चेहरा ऐसा हो सकता है जिसे अभी तक चर्चा में ही ना हो? बिल्कुल आएगा, वही नाम आएगा जो अभी तक हम लोग जिस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया शिवराज सिंह चौहान को एकदम विदाई दे ही दी है क्या बिना बोले? देखिए मनोज्ञा जी ये सब अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया समझे, हम भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति मूलतः कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता है, शिवराज जी भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, बाकी सब कार्यकर्ता। कांग्रेस करे तो परिवार का शासन, आप करें तो अनुशासन, इतने दिन हो गए एक हफ्ता हो गया इसमें, अच्छा परिवार कहाँ इसमें बताइए, इसमें परिवार कहाँ आया? कांग्रेस में तो क्षमा करिएगा, विषय कांग्रेस का है, फिरोज गांधी जी के परिवार के अलावा आप बताइए किसके पास उसकी मालिक मिल्कियत रहती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा कि मैं कार्य समिति के लिए गांधी परिवार से पूछूंगा, तो नाम के अध्यक्ष हैं, यहाँ काम के होते हैं, सब लोग काम करते हैं और हर कार्यकर्ता को समयकाल परिस्थिति के आधार पर दायित्व मिलता है, वो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के किस कार्यकर्ता को दायित्व मिलेगा बीजेपी तय करेगी, कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे, विधायक तय करेंगे। स्वदेशी आप इस बात से सहमत हैं कि भाई आप करें तो शासन, हम करें तो अनुशासन? देखिए भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज है नहीं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, चुनी हुई सरकारें गिराने इनका काम है, जिस राज्य में इनकी 2 सीटें आती वहाँ भी सरकार पुरानी टीस ज्यादा रह गई क्या? बात जिसकी नहीं है, बात लोकतंत्र की है, अब इनकी आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। इनके यहाँ एक नाम तय होकर आएगा, नागपुर से बाई प्लेन जाएगा वो दिल्ली, वहां से अमित शाह और प्रधानमंत्री जी यहाँ भेजेंगे, मतलब विधायक दल की बैठक का कोई मतलब नहीं है। विधायक हार का मंथन कब करिएगा? चलिए तो जीत गए आप, हार का मंथन कब करिएगा यूरोप से वापस आकर? हमारे सारे बड़े नेताओं ने मंथन किया है उस पे, और जो निकल कर आएगा वो आपको समय पर सामने आ जाएगा, और हमारे विधायक दल की बैठक शीघ्र ही होने वाली है, और मध्य प्रदेश में 2024 की तैयारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस करने के लिए तैयार। ठिकरा फोड़ेंगे किसके सर? देखिए किसी के सर पर ही फोड़ा जाता, हार और जीत लोकतंत्र में होती है, और हमें हार भी स्वीकार है, किंचित नहीं मैं भयभीत हार से, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, तो एक ऐसी रचना लिखी थी कि हम अगर घबरा जाते तो देश को आजादी नहीं करा पाते। जी ने ये भी कहा था रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, रचना अटल जी की, अमल फिर भी कांग्रेस करने को तैयार नहीं है, हार गए भैया गए यूरोप घूमने के लिए। हम अटल जी के ग्वालियर के हैं तो अटल जी को याद नहीं रखेंगे क्या? देश के भारत रत्न अटल जी, अटल जी देश के, जीत हार में ना मोदी जी पर दलगत राजनीति से हटकर अटल जी ने किया, और सहमत है मोदी जी पर, पूरा देश सहमत है, इनको 10% सीटें भी नहीं देते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, पूरा देश मोदी जी पर सहमत है, मोदी जी की गारंटी और इस लोकसभा आप भी मोदी जी की गारंटी। अटल जी की बात कर रहे थे तो अटल जी की बात सुन लीजिए, अब अटल जी अब बीमार थे तो कांग्रेस में राजीव गांधी ने उनको चुपचाप विदेश भेजा इलाज के लिए, तो ये सच बात है, और लौट कर आके उन्होंने ही स्वीकार किया कि हमको राजीव गांधी ने भेजा था, ये उस समय राजनीति थी, आज की राजनीति कौन सी राजनीति? बीमार अटल जी की तबीयत खराब, मुझे लगता है कि ये राजनीति है ही नहीं,
ये तो ये सामंजस्य है और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न थे। यदि ये जो ये, नहीं तो आज मोदी जी भी इमोशनल हो जाते हैं जब गुलाम नबी आजाद आखिरी दिन अपना बिताते हैं संसद में। मनोज्ञा मैं आती हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा दर्शकों को वो बता दें। देखिए कल विधायक दल की बैठक होनी है मध्य प्रदेश में, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होनी है। बताया जा रहा है कि कल शाम ये बैठक होगी, 4 बजे के आसपास बैठक शुरू होगी। तो विधायक दल की बैठक कल मध्य प्रदेश में, और उस बैठक में तय होगा नेता कौन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से, जहां अभी तक चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है। बीजेपी कार्यालय में कल बैठक होनी है भोपाल में, जहां शाम 4 बजे के करीब बैठक शुरू हो जाएगी और इसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। तो ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई है। मध्य प्रदेश में अभी देखिए कल विधायक दल की बैठक होगी, चेहरा कौन होगा ये मुमकिन है कि उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में क्या चल रहा है, जयपुर से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जयपुर में क्या हलचल है, मतलब अभी तक वहां चेहरे को लेकर सिर्फ कयास ही है या कयासों पर विराम भी लगेगा? नहीं नहीं देखिए, फिलहाल तो कयास ही है, इस बात को समझिए। छत्तीसगढ़ में सब कुछ तय हो गया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तस्वीर साफ हो गई। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हो जाएगी इसकी संभावना नजर नहीं आती है, लेकिन राजस्थान में वाकई में पेच फंसा हुआ है। इसका अनुमान इस बात से आप लगाएं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन जैसा शब्द जो आपने सुना इस पूरे दरमियान जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम, वो यहीं से सुनने को मिला था। मौजूदा बीजेपी में दरअसल ये सब संभव नजर नहीं आता है कि कोई बाहें मरोड़ ले, कोई दबाव बना ले आलाकमान पर, लेकिन ये चीजें यहां पर ऐसा लगा सुनने को मिली। मेरे साथ एक खास मेहमान, उनसे मैं बातचीत करूंगा, और मेरे साथ गोपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं यहाँ पर। आप नए को दिग्गज को हरा कर यहाँ पर पहुंचे हैं, सिविल लाइन से आप जीते हैं, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अब सर जरा ये भी बता दीजिए, लगे हाथ विधायक तो आप बन गए, विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है, ये वसुंधरा राजे जी की वजह से कोई पेच फंस रहा है क्या? नहीं, बैठक नहीं हो पा रही है ऐसा नहीं है, बैठक तो होनी है और मुख्यमंत्री भी बनने ही हैं। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीत करके आए हैं और ये पहले से घोषित है, तो वो और संगठन जो तय करेगा हो जाएगा अभी एक दो दिन में। एक दो दिन और कह रहे हैं, मतलब अभी इंतजार चल रहा है? नहीं, इंतजार नहीं, अब जैसे मध्य प्रदेश का होने वाला है, छत्तीसगढ़ का हो गया, इसके बाद राजस्थान का हो जाए। तो यहाँ दिक्कत वैसे आ क्या रही है, मतलब और खासतौर पर वसुंधरा राजे के संदर्भ में मेरा सवाल है, वो पिछड़ गई हैं कि रेस में हैं अभी भी? देखिए, राजस्थान के अंदर कई बड़े नेता हैं, कई संभावना वाले नेता हैं, तो जो एक सशक्त प्रदेश होता है वहां पर सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो कई सारे नाम नजर आएंगे, तो उस तरह से नाम नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है, तो मतलब वसुंधरा राजे जी नहीं होंगे फिर तो? नहीं, ये कैसे कहा जाए, वो मुख्यमंत्री यहाँ रही लंबे वक्त तक, चेहरा इस बार नहीं थी, इसके बावजूद बीजेपी जीत गई है, तब तो अब जो चाहेगा केंद्रीय नेतृत्व उसी हिसाब से चीजें होंगी। हाँ, जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा उसी के हिसाब से होनी चाहिए, हरा नहीं बन सकता ऐसा भी नहीं है, और जो बन गया हो वही बने ऐसा भी नहीं है। तो नए को मौका मिलना चाहिए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो सोचता है उसके अलावा अगर हम अपनी विचार व्यक्त करते हैं तो एक तो हम अपने नए होने का, कोई कहे कह पढ़ रहा हो उसके सामने किताब ला करके रख दें ऐसी जो आइंस्टीन की व्याख्या करती हो, तो ये अनुचित होगा। अच्छा, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में आया था चुनाव के दौरान, आपने जयपुर को लेकर कहा था कि कहीं ये पाकिस्तान ना बन जाए, तो इस तरीके के जो बयान थे वो वाला कार्ड भी खूब चला है क्या चुनाव में, जो इतनी जबरदस्त जीत मिली आप लोगों को? नहीं, मैंने वो कहा था जो एल जी ने पत्र लिखा था आजादी के बाद, उन्होंने कहा था कि देश के अंदर मिनी पाकिस्तान नहीं बनने चाहिए, वही बात मैंने दोहराई कि ऐसे इलाके नहीं पैदा किए जाने चाहिए जहां पर कानून ही नहीं चले, अगर कानून नहीं चलता है तो फिर शेष समाज की क्या स्थिति होगी, बस उसको दोहराया। कानून का राज आपका कौन मुख्यमंत्री यहां पे ला सकता है अगर आपके मुताबिक अराजकता है अभी तो? जो भी भारतीय जनता लाएगा देश में। इससे आगे आप सर नहीं बताएंगे, मैं समझ गया हूं, ये यक्ष प्रश्न बरकरार रहेगा जब तक कि नाम पर्ची वहां से सामने ना आ जाए दिल्ली से। दिक्कत कहां आ रही है सर, कुछ समझ पा रहे हैं?
देखिए दिक्कत अभी लग नहीं रही है, एक प्रोसेस है मैं जहां तक समझता हूं। पिछले बार राजस्थान में जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री तय हुआ था तो 17 दिन लगे थे, तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। संभवतः 2 दिन में विधायक दल की यहां पर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आलाकमान का जो मैसेज होगा वो और विधायकों की राय होगी, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री का फैसला। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, समझना चाह रहा हूं, आप दोनों से आप एक्सपर्ट हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल गया, 2024 का समीकरण साधना है, हो सकता है कि क्या यह भी संभव है? ओबीसी की संभावना है मध्य प्रदेश से कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तो यहां से किसी महिला का नंबर आ जाए? महिला का नंबर अगर आए तो उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। अगर वो नाम है उसमें कोई नाम होता है तो वो वसुंधरा जी का ही नाम होगा। लेकिन सवाल ये कि मोदी जी के मन की बात कौन कैसे पहचाने, सवाल ये उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कम से कम राजस्थान के मामले में तो ऐसा लग रहा है कि जितनी ये जो मिस्ट्री है वो बहुत गहरी होती जा रही है। मिस्ट्री सर गहरी होती जा रही है, लेकिन वही बात फिर से मैं पूछ रहा हूँ। दरअसल अभी आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जाहिर तौर पर राजनीति है तो ये भी देखा जाएगा कि इस तरीके से परमिनेशन कॉम्बिनेशन बिठाए जाए कि उसका भी लाभ वहां पर हो। तो छत्तीसगढ़ में विष्णु साई जी बन गए, एक आदिवासी चेहरा वहां मुख्यमंत्री बन गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी तबके से कोई सीएम बनेगा इसकी भरपूर संभावना नजर आ रही है, हालांकि वहां भी क्लियर नहीं है अभी। तो ऐसे में क्या ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये गलत है कि हो सकता है यहाँ से किसी महिला का नाम सामने आए मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए राजनीति में समीकरण और समीक्षा दोनों पैरेलल चलती है, तो ऐसे में आप राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे, जातिगत आंकड़ों को तालमेल के साथ करने की बात करेंगे, बैलेंस करने के लिए बहुत जगह है। मुख्यमंत्री का चेहरा एकमात्र ऐसी वजह नहीं है, अगर आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री भी हैं कद बढ़ाने के लिए, वो सीट कम नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ राजस्थान में मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री की भी गुंजाइश है, चर्चा जैसे कि है 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जातिगत तालमेल वहां पर भी स्थापित किया जा सकता है कि सबको लगे कि हमारे साथ समानांतर व्यवहार यहां पर किया गया, किसी एक जाति को पर्टिकुलर पार्टी ने हाशिए पर नहीं रखा, ये सबकी जीत अगर वो कह रहे हैं तो वो झलकना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन तो हम मानते हैं कि जब वो वर्किंग कर रहे हैं और जिस पैटर्न पे सीट्स को दिया गया, टिकट्स को दिया गया, तो वो चीजें तो पहले से काम करके आए हैं, काम करिए। अच्छा, चूंकि आप विधायक हैं, खुद चुनकर पहुंचे हैं विधानसभा में, आप लोगों की क्या राय है, क्या ये डिप्टी सीएम वाला भी कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी हो? देखिए ये सब इतने विषय है कि इन पर क्या विचार किया जाए, क्या उप मुख्यमंत्री की कोई संवैधानिक कोई विशेषता है? नहीं, ये सच बात है, लेकिन आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में फिर क्यों बनाया गया? उत्तर प्रदेश में अगर बनाए गए तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं बनाए गए? तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि आज भी हम जिस तरह की बात चल रही है, आदिवासी समर्पित महिला व्यक्तित्व हो, देश का प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से निकला हुआ, जिनको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उससे संबंधित हो, तो हम किस तरह के जाति की महिला पुरुष की बातें करते हैं? 33% आरक्षण, आप ये भले ना बोले लेकिन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। शिरीन मुझे बस 20 सेकंड का मौका दीजिए, चूंकि बहुत बड़ी यहाँ पब्लिक दिख रही है, फटाफट आप में से कोई कुछ कहना चाहे, सीएम के तौर पर किसको देखना चाहते हैं सुबह में? सर सिर्फ नाम बताइए। वसुंधरा राजे। सीएम के तौर पर कौन हो? सीएम के तौर में चाहिए मंत्री जो काम करे, जो काम करे। नाम बताइए सीएम कौन? बाबा बालकनाथ। बालकनाथ। वसुंधरा राजे। यहाँ तो देखिए मतलब हो सकता है वसुंधरा के समर्थक हो इत्तेफाक, लेकिन ज्यादातर लोग वसुंधरा राजे कह रहे हैं। शिरीन बिल्कुल अखिलेश, ये तो जनता के मन की बात हो गई, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किसकी बात सच होती है और किसकी मुराद पूरी होती है, क्योंकि नाम तय होना अभी बाकी है। और महाकवरेज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 3 राज्यों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा विष्णुदेव साय, जो राज्यपाल से मुलाकात खत्म करके निकल चुके हैं, राज्यपाल से उनकी ये मुलाकात हुई, विष्णुदेव साय जो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्हें चुना गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, हालांकि अभी नाम तय होना बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त सर्वसम्मति से चुने गए विष्णुदेव साय राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद निकल चुके हैं। इस मुलाकात में उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया होगा, और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तस्वीरें सामने आ रही हैं।
और दुष्यंत गौतम को इस वक्त हम देख पा रहे हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, वो वहां पर पहुंचे और अब देखिए मीडिया से हालांकि बातचीत करते हुए अब ये जो निकल रहे हैं यहां से विष्णुदेव साय जो सरकार बनाने का दावा लेकर पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात खत्म हो चुकी है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया होगा और उसके बाद अब वहां से निकलते हुए इन तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर रहेगी। जो भी हलचल, इस हलचल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट एबीपी न्यूज पर आगे भी आप देखेंगे।